फरवरी मंथ हम लोग करंट अफेयर करते हैं फरवरी मंथ का। फरवरी मंथ में जो जो चीज़ें हुई थी उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस हैं और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं और चेक करते चलेंगे साथ में। पहला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे फरवरी में बजट के साथ, बजट के पहले आया होगा, तो उसी से रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं। इट्स एन ऑफिशियल गवर्नमेंट्स रिपोर्ट ऑन द स्टेट ऑफ इकोनॉमी इन द पास्ट 1 ईयर, द की चैलेंजेस इट एंटिसिपेट एंड देयर पॉसिबल सोल्यूशन। अब ऑफिशियल का मतलब क्या है भाई? देखिए, इकोनॉमिक जो सर्वे कोई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो देती नहीं है, ये इकोनॉमिक सर्वे डिपार्टमेंट है इकोनॉमिक अफेयर्स का, जो जिसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इकोनॉमिक क्या बोलेंगे कंसल्टेंट, या वो मतलब एक मतलब बजट का ही ऑफिशियल पार्ट नहीं है, बट ऑफिशियल गवर्नमेंट तो है ही क्योंकि पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड टू प्रेजेंट द इकोनॉमिक सर्वे। ऐसा कुछ नहीं, इकोनॉमिक सर्वे कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कोई आर्टिकल थोड़ी ना है, बजट का तो है आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसा कोई इकोनॉमिक सर्वे का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल नहीं है, बट हाँ ऑफिशियल जरूर है, तो सेकेंड नहीं है, फर्स्ट ओनली, तो इसका होना चाहिए 1 का 1, 1 का ए। देखते हैं, 1 का ए बिल्कुल सही है, मैं बोला था ऑफिशियल है बट कॉन्स्टिट्यूशनल है। बीजिंग डिक्लेरेशन ऑफन सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। बीजिंग डिक्लेरेशन चाइना में हुआ था कई साल पहले, 20-25 साल पहले, और ये जेंडर इक्वलिटी और वुमेन एम्पावरमेंट पे है। आई थिंक जेंडर इक्वलिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट, बीजिंग डिक्लेरेशन प्रोसेस पे कंफर्म कर लेते हैं, मुझे लग रहा है वही है, नेट थोड़ा सा स्लो है। बीजिंग डिक्लेरेशन कब हुआ था? बीजिंग डिक्लेरेशन 20 साल हो गए हैं बीजिंग डिक्लेरेशन के। बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म पर एक्शन टर्न्स 20, तो आई थिंक ये रहा हुआ होगा 2000 के आसपास। बीजिंग डिक्लेरेशन टर्न्स 25, नहीं 25 साल हो गए भाई बीजिंग डिक्लेरेशन के। तो देख लेते हैं एक बार बीजिंग डिक्लेरेशन कब का है। बीजिंग डिक्लेरेशन विकिपीडिया पे, हाँ, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन विमेन 1995, 1995, बहुत पुराना भाई। तो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी वुमेन पे बीजिंग में, चाइना में 1995 में। 25 साल हो चुके हैं, यूनाइटेड नेशंस ने करवाई थी और इंटरनेशनल वीमेंस ईयर 75 में मना था, 95 में हुई थी, कई सारे अटेंडेंस थे। अच्छा, अच्छे अटेंडेंस थे और आंग सांग सू की भी कहीं थी, स्पीचेस हुई थी और वेमेन इन्वायरमेंट, गर्ल चाइल्ड, ह्यूमन राइट्स, आर्म्ड कंफ्लिक्ट, हेल्थ प्लान ऑफ एक्शन बनाया गया था, उसका आगे कुछ हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं। तो ठीक है, आई एम डेट श्योर नाउ बीजिंग डिक्लेरेशन जेंडर इक्वलिटी, यानी कि सी, सेकेंड का सी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सूरज कुंड मेला, सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला। इट इज बीइंग ऑर्गेनाइज सिंस 1987 टू शोकेस द रिचनेस एंड डाइवर्सिटी ऑफ हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम एंड कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही बात है, मेला लगता है हैंडीक्राफ्ट का, लखनऊ महोत्सव टाइप। इट इज बीइंग हेल्ड इन हिमाचल प्रदेश, नहीं भैया, हरियाणा में। पार्टनर कंट्री इज मालदीव, पार्टनर कंट्री तो मालदीव थी शायद इस बार 2020 में, लेकिन हरियाणा में हुआ था इस बार, हरियाणा में, क्या हरवारी हरियाणा में होता है। दूसरा गलत है, पहला सही है, थर्ड का 1, थर्ड का ये। चलो अब तक तो तीनों सही है मेरे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हुडुम्बा नंबा, नाम से अफ्रीकन लग रहा है, हुडुम्बा नंबा। इट्स ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइडेड टू ईच सिटीजन इन केन्या, सही है, केन्या का आधार कार्ड समझ लो। इट रिसेम्बल्स द आधार सिस्टम ऑफ इंडिया विद सेंट्रलाइज डेटाबेस यूज फॉर अवेलिंग पब्लिक सर्विस। बिल्कुल दोनों सही है, बोथ 1 एंड 2, सी होना चाहिए फोर्थ का, हुडुम्बा नंबा, हुडुम्बा नंबा, फोर्थ का सी, हुडुम्बा नंबा, फोर्थ का सी, हुडुम्बा नंबा, बिल्कुल सही निकला, केन्या का हुडुम्बा नंबा। When the annual यूनियन बजट इज नॉट पास बाई द लोकसभा,
मान लो लोकसभा बजट ना पास करे तो इसका मतलब है कि सरकार खतरे में आ गई। बजट इज मॉडिफाइड एंड प्रेजेंटेड, बजट इज रेफर्ड टू राज्यसभा, राज्यसभा का बजट में कोई रोल नहीं है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज आस्ट टू रिजाइन, द प्राइम मिनिस्टर सबमिट्स द रेजिग्नेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखिए ऐसा है कि बजट ना पास होने का ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में तो कुछ नहीं लिखा है, लेकिन अगर पार्लियामेंट्री नॉर्म्स ये कहते हैं कि अगर बजट पास नहीं हो रहा है तो उसका मतलब है गवर्नमेंट ट्रस्ट डेफिसिट में आ गई है और इट डज नॉट कमांड द मेजोरिटी इन पार्लियामेंट, या डज नॉट कमांड द ट्रस्ट ऑफ मेंबर्स इन द पार्लियामेंट, तो इट शुड लीव द गवर्नमेंट, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शुड रिजाइन, 74-75 आर्टिकल 74, तो फिफ्थ का डी होना चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल सही बात है, कॉन्स्टिट्यूशन भले हो ना हो लेकिन जरूरी तो नहीं है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन पूछा गया है तो लिखा है कि एज पर द नॉर्म्स, जो भी नॉर्म्स हो उनके हिसाब से क्या होना चाहिए। वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन वोट ऑन अकाउंट एंड इंटरिम बजट, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन पहुंच गए, मुझे लग रहा है वोट ऑन अकाउंट और इंटरिम बजट 112, 116, 117 ऐसे कुछ है। जैसे जिस साल इलेक्शन होने वाले होते हैं उस साल खर्चों के लिए वोट ऑन अकाउंट दिया जाता है और एंटरिम बजट, प्रोविजन ऑफ वोट ऑन अकाउंट यूज बाई रेगुलर गवर्नमेंट, बाई एंटरिम बजट इज प्रोविज बाई केयर टेकर गवर्नमेंट, जब तक अगली गवर्नमेंट चुन के ना आ जाए तब तक एंटरिम बजट होता है। सही लग रहा है पहला, वोट ऑन अकाउंट ओनली डील विद द एक्सपेंडिचर इन गवर्नमेंट बजट, वाइल इन एंटरिम बजट एक्सपेंड बोथ एक्सपेंडिचर एंड रिसीट। वोट ऑन अकाउंट खाली खर्चे होते हैं, एंटरिम बजट पूरा बजट होता है। दोनों सही है, दोनों सही है। सिक्स का बी नहीं, सिर्फ सेकंड सही है, फर्स्ट सही नहीं है। फर्स्ट में क्या कहा पड़ा है, प्रोविजन ऑफ ए वोट ऑन अकाउंट यूज बाई रेगुलर गवर्नमेंट, एंटरिम बजट इज प्रोविजन यूज बाई केयर टेकर गवर्नमेंट। अच्छा, वोट ऑन अकाउंट भी केयर टेकर गवर्नमेंट ही होती है क्योंकि अगली जब गवर्नमेंट इलेक्ट होके आएगी वही तो पूरा फुल बजट देगी, तो वोट अकाउंट भी रेगुलर गवर्नमेंट नहीं होती है, वो भी केयर टेकर गवर्नमेंट होती है आई थिंक ये। और वोट ऑन अकाउंट सिर्फ एक्सपेंडिचर होता है जबकि एंटरिम बजट दोनों होता है, ये तो सही है। चलो ये गड़बड़ निकल गया मेरा, तो वोट ऑन अकाउंट भी रेगुलर गवर्नमेंट नहीं देती है, वो जो गवर्नमेंट जाने वाली होती है वो देती है। अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बोडो वॉज एडेड टू द लिस्ट ऑफ 8th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन, देयर बाय रेजिंग द नंबर टू 22। इतना तो मुझे याद है कि 8th जो शेड्यूल है जिसमें ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया की, उसमें 18 लैंग्वेज होती थी, बोडो, डेग, डोगरी, मैथिली, संथाली, BDMS, चार एक साथ एक ही झटके में जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, और ये अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे जोड़ी गई थी। पता नहीं क्यों, मतलब ऐसा कुछ है कि बीजेपी को बोडो लोगों से बड़ा प्यार है, बोडो को जोड़ा भी उन्होंने अपने अटल के टाइम में था और बोडो का एग्रीमेंट भी अभी मोदी जी के टाइम में बोडो लोगों को फिर से पावर्स बढ़ा दी गई, बोडो लोगों को खुश किया गया है। 7th का सी, हाँ, 92nd अमेंडमेंट एक्ट में ऐड की गई थी, इसको थोड़ा सा कंफर्म कर लेते हैं। 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। नाइन्टी सिक्स अमेंडमेंट एक्ट 2003, लैंग्वेज स्ट्रिक्ट, बोर्ड मास, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। पहले तो मैं अपना जो है GS2 खोलता हूँ। इसमें मैंने मेन में कॉन्स्टिट्यूशन के सारे आर्टिकल डाले हुए हैं और मैंने जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुए हैं वो भी डाले हैं। ये रहे अमेंडमेंट्स, सॉरी शेड्यूल्स, 10th शेड्यूल, 52nd, 93rd, 8th शेड्यूल, ये रहा 8th शेड्यूल, और ये रही 8th शेड्यूल के बारे में
92nd अमेंडमेंट 2003। ये रहा 92nd अमेंडमेंट 2003, बोडो डिग्री 3547 किट शेड्यूल में डाले गए थे। और इसके बारे में कुछ पता करना है? बस उसके बाद से तो नहीं डाले गए ना। अच्छा ये पूछा जाता है, थोड़ा सा ये इसका बैकग्राउंड पता कर लेते हैं 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 का। विकिपीडिया में दिया हुआ है। एट शेड्यूल सिंधी इटाली की थी, 21st फिर कोंकणी मैताई मैताई मणिपुरी और नेपाली इटाली की 71st से 1992 में, 18 हो गए। बीजेपी लोकसभा एमपी फ्रॉम मयूरभंज मुर्मू टर्म्ड द बिल फॉर हिस्टोरिक फॉर ट्राइबल पीपल, आदिवासी हैज गॉट रिसग्निशन, झारखंड मुक्ति मोर्चा। ठीक, बीजेपी गवर्नमेंट का ही था काम, ये तो पक्का है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है 92nd अमेंडमेंट एक्ट? और 92nd अमेंडमेंट एक्ट यानी कि सी, सेवन का सी। वन ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वलिटी इन द सोसाइटी इज एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस, एट का ए। इन द लाइट ऑफ आर्गुमेंट इन द अबव पैसेज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन? राइट ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी इज इन नेचुरल लाइट ड्यूली सपोर्टेड बाय स्टेट्यूट्स एंड स्क्रिप्चर्स। राइट ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी इज इन नेचुरल लाइट ड्यूली सपोर्टेड बाई स्टेट्यूट्स एंड स्क्रिप्चर्स। हाँ पर्सनल प्रॉपर्टी नेचुरल लाइट है। पर्सनल प्रॉपर्टी इज ए थेफ्ट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। राइट ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी इज वायलेटिव ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, नेगेट्स द प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन। The comprehensive idea of economic justice demands that the right of each person to acquisition of property has to be reconciled with that of the other. Ninth का D ज़्यादा सही लग रहा है, और ninth का D है भी। Economic justice ये कहता है कि हर person का right जो है ठीक है, but उसको बाकी लोगों के right के साथ reconcile किया जाए। In India, if a religious sect community is given the status of national minority, what special advantages it is entitled to? जैसे ही उसको माइनॉरिटी का स्टेटस मिलेगा, खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोल लेंगे, बीएड बीएड के कॉलेज कुलपति बन जाएंगे। इट कैन एस्टेब्लिश एन एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्टर एक्सक्लूसिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पहला बिल्कुल सही है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑटोमेटिकली नॉमिनेट्स ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कम्युनिटी टू लोकसभा, ऐसा कुछ नहीं, ऑटोमेटिक तो नहीं करता। इन कैन डिराइव बेनिफिट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर 15-point प्रोग्राम, तो पहला और तीसरा सही लग रहा है मुझे, सी होना चाहिए, 10th का सी बिल्कुल सही है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल के बिजनेस करना ही आजकल का सबसे बड़ा ट्रेंड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजन रिकॉर्डिंग एंटी डिफेक्शन एक्ट? एंटी डिफेक्शन एक्ट बहुत पॉपुलर है इस समय, राजस्थान का मध्य प्रदेश का चला था, हरियाणा का चला था, महाराष्ट्र का तो बहुत भयंकर चला था। सेकंड शेड्यूल नो, फिफ्थ शेड्यूल नो, एट शेड्यूल नो, 10th शेड्यूल, 11th का डी 10th शेड्यूल, 11th का डी 10th शेड्यूल। वेलू उथियम इज न्यू स्पेसीज ऑफ स्नेक, अलॉय ऑफ टिन एंड एल्युमिनियम, क्लासिकल डांस ऑफ केरला, केरला का क्लासिकल डांस लग रहा है। 12वें का बी नहीं भाई, अलॉय है टिन और एल्युमिनियम का, तो उसका नाम वेलुथियम क्यों रख दिया? वेलुथियम
वैल्यू थीम अलॉय, इट ट्राई मेटल स्कल्पचर ऑफ जीसस क्राइस्ट हीलिंग क्राइस्ट वैल्यू थीम, ट्राई मेटल स्कल्पचर जीसस क्राइस्ट ऑन द सेंट्रल कोर्टयार्ड ऑफ बिलीवर्स चर्च मेडिकल कॉलेज, हीलिंग क्राइस्ट स्टेचू इंटर्स यूआरएफ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। अच्छा, क्राइस्ट की वैल्यू थियम एक ट्राइमेटल स्कल्पचर है जिंक कॉपर, बस आईएस की उसमें है। चलो, वैल्यू थियम इज ए अलॉय ऑफ टिन एंड एल्यूमिनियम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज प्रूव्ड बाय द लिबरान कमीशन? लिबरान कमीशन अयोध्या था आई थिंक, 13वें का डी, बिल्कुल सही बोल रहे हो। लिबरेशन, लिबरान कमीशन अयोध्या का डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के डिमोल्यूशन पे था। हाउ इज द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल डिफरेंट फ्रॉम द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड? हाउ इज द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल डिफरेंट फ्रॉम सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड? भाई, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक बॉडी है, कोर्ट नहीं है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक कोर्ट है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट से है, जबकि सीपीसी भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से है। सीपीसीबी भी एक्ट के थ्रू होगा। एनजीटी प्रोवाइड्स एनवायरमेंटल जस्टिस एंड हेल्प्स रिड्यूस द लिटिगेशन इन कोर्ट। सीपीसीबी प्रोमोट्स क्लीननेस ऑफ स्ट्रीम्स एंड वेल्स एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एयर इन द कंट्री। ये तो डाउटफुल लग रहा मुझे, 14वें का बी। सेकंड तो सही है कि एनजीटी एनवायरमेंटल जस्टिस देती है, सीपीसीबी वेल स्ट्रीम एयर, लेकिन ये एक्ट वैक्ट वाला कबाड़ हो गया। एनजीटी एक्ट के थ्रू और सीपीसीबी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, सीपीसीबी भी एक्ट के थ्रू है आई थिंक, यही खबर है। सीपीसीबी भी एक्ट के थ्रू है, अब देख लेते हैं एक्ट के थ्रू है कि नहीं, है इम्पोर्टेंट है। सीपीसीबी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नहीं, ये भी एक्ट के थ्रू है, वाटर एक्ट के थ्रू। हल्के में ले लिया क्या तुमने सीपीसीबी को? सीपीसीबी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, ये का हल्के में ले ली हो? ये भाई वाटर एक्ट से बना 1974 के हैं, और उसमें और पावर डाल दी ये एक्ट के 1981 में, क्या समझे थे तुम? कैसे ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बना देंगे बाप। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव ए बेयरिंग ऑन एजुकेशन? बीपीएसपी में एजुकेशन का मामला है, रूरल अर्बन लोकल बॉडीज में है, फिफ्थ शेड्यूल ट्राइबल, फिफ्थ शेड्यूल, सिक्स शेड्यूल, सेवन्थ शेड्यूल, सेवन्थ शेड्यूल में बटे हुए हैं मामले, पहला दूसरा पांचवा, पहला दूसरा पांचवा सी होना चाहिए मेरे हिसाब से। 15वें का सी, 15वें का सी नहीं है, डी है, 15वें का डी, मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सबका है, कहीं ना कहीं से तो कनेक्शन होगा, बट डायरेक्ट बीरिंग का है भाई। चलो, 15वें का डी बोल रहे हैं तो मानना पड़ेगा। द प्रोविजन इन फिफ्थ शेड्यूल एंड द सिक्स शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर मेड इन ऑर्डर टू, द प्रोविजन इन द फिफ्थ शेड्यूल एंड द सिक्स शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर मेड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स। 16th का ए, 16 का सी, 16th यार, 16 का सी दिया है। डिटरमाइन द पावर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल तो ट्राइबल एरियाज के लिए है, तो ट्राइबल पंचायत है, मैं गलत पढ़ रहा हूँ क्या? 16 का सी, मुझे बिलीव नहीं हो रहा। वॉट आर द पर्पज ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग एमसीएलआर? मार्जिनल मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट एमसीएलआर, पहले एक रेट चलती थी बेस रेट, अब वो वर्ड ही नहीं सुनाई देता क्योंकि वो आउट ऑफ द मार्केट हो चुका है, अब एमसीएलआर चलता है। बैंक्स जब लोन देते हैं तो एक एक बेंचमार्क सेट करते हैं जिसको बेस रेट बोलते थे, अब उसको एमसीएलआर बोलते हैं, इंटरेस्ट रेट के लिए होता है, और ये बैंक क्रेडिट फेयर रेट पे करता है। दोनों सही लग रहे हैं, तो 17वें का सी होना चाहिए, 17वें का ए, वन ओनली दीज गाइडलाइंस हेल्प इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक इंटरेस्ट रेट विच आर फेयर टू द बोरोअर्स एज वेल एज बैंक। ये आंसर गड़बड़ क्यों लग रहे हैं? 17वें का ए लग रहा है, मतलब उल्टा किया इन्होंने,
इसका सी होगा और 16वें का ए होगा। इन्होंने 16वां 17वां गड़बड़ किया, ऑप्शन 100%। द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट फॉल इन इट्स ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन आर्टिकल 131, 18वें का सी, ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मेडल कंस्टिट्यूट द लाइटेस्ट मेडल एंड हेवियर मेडल? लाइटेस्ट तो एल्यूमिनियम है, हैवीएस्ट मरकरी और ऑस्मियम में, मुझको मरकरी और ऑस्मियम में 19वें का बी है, लिथियम और ऑस्मियम है, देखना पड़ेगा। हाइड्रोजन एक, अरे यार एल्युमिनियम कैसे सबसे हल्की मेटल होगी, हाइड्रोजन एक, हीलियम दो, हाइड्रोजन हीलियम गैसेस हैं, लिथियम मेटल है, तो सबसे हल्की मेटल तो लिथियम ही हो गई ना, ये तो मैं गलत बोल रहा हूँ, सबसे हल्की मेटल तो लिथियम है, लिथियम तो तीन, लिथियम से हल्की क्या होगी, ऑस्मियम देखते हैं, लिथियम मेटल है, बिल्कुल है, लिथियम की शक्ल सूरत कैसी होती है, लिथियम की सूरत तो एल्यूमिनियम जैसी लग रही है, और ऑस्मियम क्या होता है? अरे यार ये इंटरनेट इतना स्लो क्यों है? ऑस्मियम, ये लिथियम, लिथियम, ऑस्मियम क्या है, बहुत अच्छा मग रहा है, ऑस्मियम मेरे केमिकल एलिमेंट होते सिंबल ऑस्मियम, मैंने एटमिक नंबर 76, हार्ड ब्रिटल ब्लूइश व्हाइट ट्रांजिशन मेटल प्लेटिनम के साथ मिलता है, 76। लिथियम का चाइना, साउथ कोरिया, चाइना प्रोवाइड करता है, चलो सही आंसर है लिथियम और ऑस्मियम। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, टूथलेस मैमल्स सच एज पंगोलिन्स आर नॉट फाउंड इंडिया, को मिलते हैं पंगोलिन इंडिया में, क्या बात कर रहे हो, गिब्बन इज द ओनली फाउंड इंडिया, नहीं यार टाइप के मिलते हैं, तो दोनों गलत हैं, 20 के, 20वें का ए, वन ओनली, पंगोलिन्स आर नॉट फाउंड इंडिया, गिब्बन इज द ओनली एप फाउंड इन इंडिया, ये क्या है यार, कुछ भी इन्होंने आंसर दिए, गुस्सा आ रहा है मुझको, ऐप, क्या ऐप और मंकी अलग अलग होते हैं, अगर ऐप और मंकी अलग अलग होते हैं तो देखो गिब्बन, हुलॉक गिब्बन, अच्छा ओनली ऐप, मंकी भले कई टाइप के मिलते हो, ऐप एक ही मिलता है, ये मुझे नहीं पता था यार, पहली बार मेरे तो कंफ्यूजन फट गया है, इकलौता ऐप इंडिया का हुलॉक गिब्बन है, अच्छा हुलॉक गिब्बन आर थ्री प्राइमेट स्पीसीज ऑफ जीनस हुलॉक, नेटिव टू बांग्लादेश, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया, म्यांमार एंड चाइना, सेकेंड लार्जेस्ट ऑफ गिब्बन्स आफ्टर सियावांग, सेम साइज हुलॉक इज फ्रॉम असमीज हुलो, हुलॉक इज फाउंड साउथ ऑफ द ब्रह्मपुत्र, रेंज एक्सटेंड इनटू 7 स्टेट, अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, ये सब नॉर्थ ईस्ट में मिलता है भाई, ये तो ओनली गिबन नॉर्थ ईस्ट में मिलता है, ये मुझे हुलॉक गिबन, हुलॉक गिबन,
मैप में देखते हैं। अच्छा वेस्टर्न हो लोग गिवन थ्राइव इन डेंस वॉर्स में इंडिया बांग्लादेश में ओनली एप नेटिव टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अच्छा ये मुझे पता ही नहीं था, मैं तो समझता था कई टाइप के मंकी मिलते हैं एप, लेकिन कहाँ डालू मैं, एनवायरनमेंट में डालता हूँ। एनवायरनमेंट में मैंने बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया में सारे एनिमल जो इंडिया में मिलते हैं स्पेशल डाले हुए हैं, जैसे कि जिब्बी, टाइगर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिब्बी और सोन चरैया हो गई, और इरावदी डॉल्फिन, और चीता, अफ्रीकन चीता, बंगाल फ्लोरिकन, बटागुर कछुका, ये कौन सी है चिड़िया, सोन चरैया, फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो डाल रखी है। तो चलो भाई आज होलो गिब्बन भी आ जाओ, आसाम के होलो गिब्बन ओनली ए फाउंड इन इंडिया, मुझे पता ही नहीं था ये इकलौता इंडिया में एक होलो गिब्बन है। टेकिंग टाइम बिकॉज इंटरनेट इज स्लो। लेट्स मूव ऑन टू द अदर क्वेश्चन, टाइम नहीं वेस्ट कर देना जब तक। गिब्बन इज ओनली ए फाउंड इन इंडिया, बिल्कुल सही है, तो ये सही बोल रहे थे, कभी कभी मैं गलत होता हूँ। 20th का ही वन है, गिब्बन इज ओनली ए फाउंड इन इंडिया सही है ना, तो 20th का ए। टूथलेस मैमल सच एज पेंगोलिन से नॉट फाउंड इन इंडिया, ए वन ओनली। ये तो पेंगोलिन तो इंडिया में मिलते हैं, गिब्बन इज द ओनली फाउंड इन इंडिया। 20th का बी होना चाहिए यार, तब भी ये भी गलत है इनका। क्या यार आंसर क्या दिए इन्होंने, यार है पेंगोलिन इंडिया में मिलते हैं, पहला गलत है, इसको सही दे रखा है। गिब्बन इज ऑल फाउंड इन इंडिया सही है, इसको इन्होंने गलत दे रखा है। 20th का मेरे हिसाब से बी होना चाहिए, इन्होंने ये दे रखा है। फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग, फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड इंडिया बाय द का 226T लाइट हेलीकॉप्टर, का 226T, का 226T रसिया से खरीदेगा, इंडिया किससे खरीद सकता है, इसराइल से खरीद सकता है, यूएस से भी खरीद सकता है, खरीदने को तो मैंने ये तो रसिया के 21 का सी। व्हाट इज लखनऊ डिक्लेरेशन, इसराइली रडार सिस्टम, इंडियाज इंडिजिनस एंटी मिसाइल प्रोग्राम, अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम, डिफेंस कोलेब्रेशन बिटवीन इंडिया एंड अफ्रीका। 22 का डी, 22 का डी, 22 का जी, इंडिया और अफ्रीका के बीच में डिफेंस कोलेबोरेशन। 23 की पॉलिसी रेट मेड बाय सेंट्रल बैंक सेवरल टाइम्स इन द की पॉलिसी रेट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर सेंट्रल बैंक सच एन एक्शन। रिपो रेट बढ़ रही है, रियल नहीं है, रिपो रेट तो रियलिटी में घट रही है, रिवर्स रिपो रेट भी बढ़ रहे हैं भाई, ये महंगाई चल रही है इस समय,
इन्वेस्टमेंट नहीं है, लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए भी नहीं है, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेविंग बढ़ाने के लिए है। एंटी इन्फ्लेशनरी, मुझे लग रहा है एंटी इन्फ्लेशनरी है। महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो आरबीआई पैसा सक करने के लिए कर रही है। डी होना चाहिए, 23 का डी होना चाहिए, 23 का डी। चलो थोड़ा बहुत तो आती है इकोनॉमिक्स मुझे। गिब्बन अभी तक नहीं सही हो पाया। वॉट इज सुपर कैम रिसेंटली इन द न्यूज? सुपर कैम कोई कैमरा है, प्लेन है, रोबोट है? मेरे हिसाब से रोबोट है नासा का, मार्स में भेजने के लिए। 24 का बी सुपर कैम, 24 का बी सही बोल रहा हूँ। नासाज डीप इम्पैक्ट स्पेस मिशन वॉज एम्प्लॉयड टू टेक डिटेल पिक्चर ऑफ विच कॉमेट न्यूक्लियस? डीप इम्पैक्ट स्पेस मिशन भी भेजा था नासा ने, डीप इम्पैक्ट स्पेस मिशन। डीप इम्पैक्ट था तो फिक्र मुझे, जब था एक कॉमेट टेम्पल वन उसके लिए था, अब क्यों पूछ रहे हैं जब था। 25 का डी टेम्पल वन।